सांसद फ्लेवियो डी मूरो ने गुरुवार को संसद सत्र के दौरान जारी बहस के बीच दर्शक दीर्घा में बैठी गर्लफ्रेंड एलिसा डेलियो को प्रपोज किया। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। सांसद फ्लेवियो ने संसद में प्रपोज करने को लेकर बताया कि उनकी गर्लफ्रेंड पूरे राजनीतिक करियर में उनके साथ रही है, वहीं व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन उनकी सबसे करीबी है। हालांकि स्पीकर ने बहस के दौरान ऐसा करना अनुचित बताया, वहीं गर्लफ्रेंड ने सांसद के प्रपोजल को स्वीकार कर लिया है। फ्लेवियो और एलिसा 6 साल से इटली के वेंटिमिग्लिया में साथ रह रहे हैं। सांसद फ्लेवियो ने पिछले साल मार्च में निचले सदन का चुनाव जीता था। सदन के स्पीकर रोबर्टो फिको ने कहा कि मिस्टर सांसद, आपके इस कारनामे से मैं थोड़ा प्रभावित जरूर हूं, मैं आपको समझता हूं, लेकिन मैं कार्यवाही के दौरान आपके हस्तक्षेप को सराहनीय नहीं मान सकता। साथियों ने बधाई दी है, गले भी लगाया। 33 साल के सांसद फ्लेवियो डी मूरो लीग पार्टी के सदस्य हैं। गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के दौरान सदन में भूकंप के बाद पुनर्निर्माण पर बहस चल रही थी। इसी दौरान फ्लेवियो अपनी सीट से उठे और गर्लफ्रेंड से शादी का सवाल किया। इसे सुनकर बाकी सांसद आश्चर्य से फ्लेवियो को देखने लगे। दो सांसदों ने सीट से उठकर फ्लेवियो की तारीफ की और गले लगाया। उधर एलिसा ने प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। Presidente, con rispetto non mi rivolgo a lei, ma mi rivolgo in tribuna per dire: Elisa, mi vuoi sposare? Deputato Di Muro. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।